नरेंद्र मिश्रा ने झांसी से आकर मऊरानीपुर विकास खंड का कार्यभार ग्रहण किया। आते ही उन्होंने एक बैठक की जिसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों में अनिल कुमार, सुधीर त्रिपाठी, संजय वर्मा, अशोक गौतम, बद्री प्रसाद, निरंजन हरी सिंह, रमेश कुमार, विनीत वर्मा, नीरज तिवारी, रंजनी शर्मा, महेंद्र कुमार पटेल, हरिश्चंद्र पटेल, दिलीप कुमार खंड विकास अधिकारी ने अपने अधीन सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की योजना में योजना के अनुसार सभी काम करें, समय अवधि के अंतर्गत योजनाओं का काम समापन करें, योजना के अनुसार पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। खंड विकास अधिकारी ने कहा वृक्षारोपण में वृक्षों की देखभाल जरूर कराएं। खंड विकास अधिकारी ने बैठक में शासन की योजनाओं के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिए। दो किलोमीटर तक नहीं है स्कूल बच्चों को हो रही है शिक्षा पाने में परेशानी। जिला झांसी ब्यूरो मदनलाल वर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रोनी के कबूतरा देहरा मऊरानीपुर जिला झांसी में 2 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है जिससे इस कबूतरा देहरा के बच्चों को काफी दूर तक स्कूल जाना पड़ता है और जो रास्ता है उसमें काफी गड्ढे हैं। इस डेरा के निवासियों ने शासन और प्रशासन को कई बार प्रार्थना पत्र देकर गाँव में स्कूल खोलने और रोड बनवाने की मांग की लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। हाँ बोलिए भैया क्या समस्या है? ये समस्या है 2 किलोमीटर तक रोड नहीं है हमारे डेरन से और ना स्कूल है सरकारी कबूतरा डेरा है 2 किलोमीटर तक ना स्कूल है ना रोड है। खींचा में बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ कौन सा पता है आपका? बड़ा रोनी है मोजा तहसील मौरानीपुर जिला झांसी। अच्छा अच्छा तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बच्चे है 20-25 बच्चे, जाते खींचा है नरवा चल जाता खाली चल जाती कोई नहीं जा पाते है। कुछ समस्या है पढ़ने की समस्या है ज्यादा बीमारी हो जाती है डोकरिया कोई नहीं ले जाता है पैदल निकालना पड़ता है।